अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एज यू नो कि फॉरेन पॉलिसी जो है एवरग्रीन हॉट टॉपिक है। सीएसएस, पीएमएस या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देखें, हर पेपर में फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन जो है वो मस्ट पूछा जाता है, किसी भी मेथड से हो। तो यहाँ पर कुछ फॉरेन पॉलिसी के टूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि जिनके थ्रू फॉरेन पॉलिसी को परसुएड किया जाता है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स, बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फर्स्ट, एज वी नो कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई भी कंट्री, तमाम कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी को परसुए करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर स्टेटस विद इन ग्लोबल कम्युनिटी, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस। तो डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करती हैं, डिफरेंट तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को अप्रोच करती हैं या उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। इन अप्रोचेस को, जो इम्प्लीमेंटेशन है इन तमाम चीज़ों को, जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, चाहे ऑन नेगेटिव बेसिस हो चाहे पॉजिटिव बेसिस हो, उसको क्या बोलते हैं, उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उनको होती है कि डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी सेम चीज़ है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी एक ब्रॉड बेस्ड टर्म है, डिप्लोमेसी एक टूल है फॉरेन पॉलिसी का, राइट। डिफरेंट कंट्रीज जो फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती हैं उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच उसमें डिप्लोमेसी है जिसके थ्रू कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती हैं या परस्यूड करती हैं, तो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी के टॉपिक पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको प्लेलिस्ट, फॉरेन पॉलिसी की प्लेलिस्ट से जाके विजिट कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी इंपीरियलिज्म, कलेक्टिव सिक्योरिटी या फिर न्यूट्रलिटी या आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी जो इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिन चार चीज़ों को, वो ये हैं कि इनके थ्रू कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है या अपनी फॉरेन पॉलिसी को परसुएड करती है। तो दीज आर डिप्लोमेसी, इंपीरियलिज्म, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड आइसोलेशनिज्म। वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल या फॉरेन पॉलिसी दूसरी कंट्री के साथ प्रैक्टिस करने का है, वो है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में, जैसे नेम से शो होता है कि डिप्लोमेसी से काम लेना है, कोई भी कंट्री है वो पीसफुली, डिप्लोमेसी हमेशा किन कंडीशंस में होती है, पीसफुल कंडीशंस में। द प्रैक्टिस ऑफ पीसफुली निगोशिएटिंग विद अदर नेशंस के, दूसरी नेशंस के साथ जब पीसफुली कोई भी कंट्री निगोशिएट करती है, वो चाहे कोई भी मैटर हो, तो उसको क्या कहा जाता है, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के थ्रू किसी कंट्री के पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशनशिप्स बनते हैं। कोई भी कंट्री है, ट्रीटीज हो रही हैं उनके, उनके ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, डिप्लोमेट्स हैं, तो ये तमाम किस में आएगा, डिप्लोमेसी में। दैट्स मीन कि वो कंट्री जो है वो क्या कर रही है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर रही है, डिप्लोमेसी वाली अप्रोच के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री सिर्फ डिप्लोमेसी से ही काम, कोई भी कंट्री है तो वो सिर्फ डिप्लोमेसी, वही कंट्री किसी और स्टेट के साथ डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी को परसुएड कर रही होती है, और किसी और कंट्री के साथ इंपीरियलिज्म के थ्रू, या किसी कंट्री के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू, और किसी के साथ, जो भी, किसी भी कंट्री का जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उनका अपना इंटरेस्ट है, दूसरी कंट्री कोई भी उसी की बेस पर उस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है। तो इट कंडक्टेड, इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है डिप्लोमेसी को, तो डिप्लोमेसी कंडक्टेड थ्रू नेटवर्क ऑफ एम्बेसीज ऑलमोस्ट एट इंटरनेशनल लेवल। हर कंट्री जो है वो जिस कंट्री के साथ उसका नेशनल इंटरेस्ट है, इसके थ्रू, एम्बेसीज के थ्रू, वो उसके साथ अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू किए हुए। कंसुलेट्स होते हैं एंड अदर डिप्लोमेटिक मिशंस दैट रिप्रेजेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जो भी उस कंट्री की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट कि डिप्लोमेसी इज अ टूल, कि डिप्लोमेसी क्या है, एक टूल है, किसका टूल है, फॉरेन पॉलिसी का, जिसके थ्रू कोई कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को परसुएड कर रही है किसी स्पेसिफिक स्टेट के साथ। नेक्स्ट टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज इंपीरियलिज्म। अभी करंट वर्ल्ड में ये इतनी फेमस जो है फॉरेन पॉलिसी का टूल नहीं है, लेकिन अगर हम बैक चले जाए जिस टाइम पे यूरोप ने कॉलोनाइजेशन की अमेरिकन कंट्रीज या अमेरिका की, तो उस टाइम पे यही फॉरेन पॉलिसी टूल था यूरोपियंस के पास। अभी भी जिस कंट्री के पास पार है, प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग पावर्स थ्रू टेरिटोरियल एनेक्सेशन, तो वो यही करते हैं। या तो कोई कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटोरियल एनेक्सेशन कर लेगा, दैट्स मीन है कि दूसरे कंट्री की जो टेरिटरी है उसको अपने साथ मिला लेगा। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं वाइड वर्ल्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी आपको आंसर लिखना है आपको किसी एक कंट्री को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में आप सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं दे सकते हर जगह पे, बल्कि आपको इंटरनेशनल लेवल की बात करनी है।
तो इसीलिए यहाँ पर भी हम पाकिस्तान की या इससे एज रेलिवेंट कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे। आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसी टेरिटरी का प्रॉब्लम देख सकते हैं जो कि इंपेरियलिज्म में आएगा, कि कंट्री फॉरेन पॉलिसी का मतलब जस्ट ये नहीं है कि आपको पॉजिटिवली दूसरी कंट्री के साथ नेगेटिव, जैसे इंपेरियलिज्म जो है ये सारी नेगेटिव फॉरेन पॉलिसी का टूल है, तो ये जो है वो कंट्रीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं अभी एट दैट टाइम, जिस तरह से अब इंटरनेशनल लॉ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी वजह से इंपेरियलिज्म का जो टूल है ये थोड़ा डीम्ड, जिसको आप कह सकते हैं, हो गया है। लेकिन इससे पहले जो है तमाम कंट्रीज अपनी पावर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने पावर स्ट्रक्चर को और उसके अलावा अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यही टूल यूज करती थी। नेक्स्ट इज कलेक्टिव कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आप कह सकते हैं ये फॉरेन पॉलिसी का है। करंट वर्ल्ड में भी ये इंप्लीमेंट है और इससे पहले भी था ये कंप्लीटली। स्पेसिफिकली इसको कब मेंशन किया गया था? लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अगर आप आर्टिकल्स देखें तो उनमें भी कलेक्टिव सिक्योरिटी को मैंशन किया गया, तब के फ्रेमर्स ने जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस का चार्टर फ्रेम किया और जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का चार्टर फ्रेम किया, तो उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के वर्ड को स्पेसिफिकली आउटलाइन किया चार्टर के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अगर आर्टिकल्स को मेमोराइज कर सकते हैं तो ये आपकी आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है, कि आप अगर कोई रेलेवेंट आए कोई भी क्वेश्चन आपका तो आप वहां पर इसका रेफरेंस दे सकते हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर का, कि इस आर्टिकल में फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चार्टर ये कहता है, तो आप रेलिवेंट अपने क्वेश्चन में उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यूनाइटेड नेशन, अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू कंट्रीज एक दूसरे के साथ फॉरेन पॉलिसी शेयर करती हैं, जैसे नेम से ही शो हो रहा है, तो इसमें कलेक्टिव होगा मतलब मल्टीलेटरल आप कह सकते हैं इसको फॉरेन पॉलिसी, जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं और प्रिजर्व करती हैं म्यूचुअल पीस और सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, जैसे देखें वर्ल्ड वॉर भी इसी बेस पर हुई थी ऑलमोस्ट, कि एक कंट्री पर उस टाइम पे एलाइज थी और एलाइड कंट्रीज थी, एक्सेस कंट्रीज, तो जो एक दूसरे के साथ ट्रीटीज की वजह से, एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट्स की वजह से जो पूरा यूरोप है वो वर्ल्ड वार में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो नेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की कुछ जो है वो ये उनकी मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एट दैट टाइम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो टूल है फॉरेन पॉलिसी का उसकी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज न्यूट्रलिटी एंड आइसोलेशनिज्म, जैसे नेम से शो हो रहा है, तो इसमें यही था कि हम किसी की वार और किसी के कंफ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आइसोलेशनिज्म का मतलब था अपोज करना किसको, ट्रीटीज को, ट्रेड अग्रीमेंट्स को और दूसरी कमिटमेंट्स को दूसरी कंट्रीज के साथ है। लेकिन इस टाइम पे जो ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है पूरी दुनिया में, तो तमाम स्टेट्स ने इस कंसेप्ट को जो है वो लेफ्ट कर दिया है न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म का। थ्रू हॉक कन्वेंशन ऑफ 1907 न्यूट्रलिटी इज नैरोली डिफाइंड, स्टेटस एंड स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स लगा दी गई उस पर न्यूट्रलिटी का। स्विट्जरलैंड ने जिस तरह से वर्ल्ड वॉर्स में किया, अपने आप को कंप्लीट एक न्यूट्रल स्टेट साबित किया और किसी के साथ भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही उससे पहले उन्होंने कोई अग्रीमेंट किए हुए थे, तो इस टाइम पे भी स्विट्जरलैंड ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल कंट्री ही है जो किसी भी कंट्री के वार्स और कंफ्लिक्ट्स और जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दीज वर सम कंसेप्ट्स अबाउट फॉरेन पॉलिसी। कुछ कन्फ्यूजन होती हैं स्टूडेंट्स को कि कुछ वर्ड आ गया इस तरह से तो ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है। मीन कंसेप्चुअल ये बात है, थोड़ी सी कंसेप्चुअल ये हमारी वीडियो थी कि फॉरेन पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स हैं और किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज उसको क्या करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। एज सच ये क्वेश्चन ना भी हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।